बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपने अपने आंगनों में चहकते और महकते होंगे। मुझे अक्सर असातिज़ा ये पूछते हैं कि सर, आप मज़मून नवीसी कैसे सिखाते हैं। मैंने यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोस अपलोड की हुई हैं, लेकिन ये कि इस वीडियो में, ये ख़ास तौर पर जो वीडियो है, इसमें बता रहा हूँ कि मैं मज़मून नवीसी कैसे सिखाता हूँ। इसमें जी सबसे जो पहली चीज़ है वो ये है कि मैं बच्चों को इकट्ठा मज़मून नहीं सिखाता। मैं बच्चों को पहले मवाद के ऊपर काम करवाता हूँ। जब मैं ये समझता हूँ कि मेरे बच्चे मवाद में कुछ बेहतर हो गए हैं, और उसके बाद फिर उनकी लिसानियात पे, उनकी ज़बान पे, उनकी लैंग्वेज पे काम करना शुरू करता हूँ, और एक एक करके मैं उनकी ज़बान में से गलतियों को चुनना शुरू कर देता हूँ। जो अहबाब, जो दोस्त मेरी वर्कशॉप्स में आते हैं, वो जानते हैं कि मैं कौन कौन से तरीके इख्तियार करता हूँ। इस छोटी सी वीडियो में एक बहुत ही मैंने एक मुख्तलिफ अंदाज इख्तियार किया हुआ है, जो कि आज पहली दफ़ा आपके सामने लेके आता हूँ आ रहा हूँ कि मैं बच्चों को काम किस तरह से देता हूँ। जब मैंने मज़मून की ज़बान ठीक करवा ली, जब मैंने मवाद ठीक करवाया, और उसके बाद मैं बच्चों को काम कैसे करवा रहा होता हूँ। तो मैं ये जो परफॉर्मा है मेरे पास, जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये मैं बच्चों को देता हूँ, और उसके बाद बच्चे मज़मून नवीसी करते हैं, और ये आप देखते हैं सामने आपके है। और इसमें आपको पता ही है कि ये चीज़ें मज़मून नवीसी के लिए ये ज़रूरी हैं। यूं मैं मज़मून का ये PPT बच्चों के साथ शेयर करता हूँ, बच्चों को देता हूँ, और मेरे बच्चे आदी होते हैं, वो इसलिए बहुत आसानी से कर लेते हैं। और इस PPT में ये इस तरह से मैं तकसीम भी करके देता हूँ। निकात को ख़ास तौर पर तकसीम किया होता है, और उसका मकसद ये होता है कि बच्चे फिर फोकस रहते हैं, और बच्चे फिर इधर उधर भटकते नहीं हैं। इससे पहले बच्चों को मुकम्मल मालूमात भी दी जाती हैं। उसके बाद मैं बच्चों से क्राइटेरिया, असेसमेंट क्राइटेरिया बहुत ज़रूरी होता है, असेसमेंट स्टैंडर्ड बहुत ज़रूरी होते हैं बच्चों के सामने। ये हमेशा हर दफ़ा काम, मैंने 10 दफ़ा, 35 दफ़ा काम अगर देना है, तो मैंने हमेशा बच्चों के सामने ये क्राइटेरिया ज़रूर रखना है, और उनको अजबर हो जाता है। और उसके बाद फिर आखिरी बात होती है, वो ये कि उनसे मैं यही कहता हूँ कि जब भी वो ये काम करें, अकेले करें, बगैर किसी मदद के करें, और अगर मेरी हेल्प की ज़रूरत है तो मैं हाजिर हूँ। और ये नीचे जो ग्रीन पट्टी में लिखी हुई ये चीज़ें, ये ख़ास तौर पर उन्हें मैं देता हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी हैं मज़मून लिखने के लिए और कोई भी काम करने के लिए। उसके बाद फिर आप सब जानते हैं कि मैंने YouTube चैनल पर अपने बेशुमार वीडियोस डाली हुई हैं, जो बच्चों के लिए और टीचर्स के लिए मददगार हैं, और फिर उन्हें YouTube वीडियो का मैं ये चैनल का लिंक भी देता हूँ, और अब तो मेरे बच्चों को याद हो गई हैं वीडियोस। सबसे जो काम की चीज़ है वो ये है जो मैं आपके सामने पेश करने लगा हूँ, और मैं आपसे दरख्वास्त कर रहा हूँ कि मेरी तमाम प्रोडक्ट्स, जितनी भी मसनूआत है, वो रजिस्टर हैं, इन्हें आप तदरीसी मकासद पे इस्तेमाल कीजिए, जितना मर्जी बच्चों को दीजिए, लेकिन ये है कि किसी किताबी शक्ल में छापना या नफा बख्श मकासद पे इस्तेमाल करना, ये मैं ये समझता हूँ ये बददियानती भी है, अखलाकी और कानूनी जुर्म भी है, और तादीबी कार्रवाई का हक रखता हूँ। ये है जी वो परफॉर्मा जो मैं बच्चों को देता हूँ, और ये बहुत अहम है, बहुत ही ज्यादा अहम है, और इसे समझने वाले समझ जाएंगे। बंदा नाचीज का काम है बात पहुंचाना, किसी के कानों पे दस्तक मेरी बात देती है, वो उसे उठा लेते हैं, संभाल लेते हैं, उससे फायदा उठाते हैं, और किसी के कानों से टकरा के वापस आ जाती है। मुझे इससे कोई गरज नहीं है कि कौन इससे मुतासर होता है या नहीं होता, मैं किसी को मुतासर करने की मुझे ज़रूरत भी नहीं है। अगर आपको मुझसे तदरीस के हवाले से रहनुमाई चाहिए, तो मैंने अपने ये कॉन्टेक्ट नंबर दे दिए हैं, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मैं हमेशा हाजिर हूँ। तो ये जनाब तरीका है, ये आप इख्तियार कीजिए, और आप देखेंगे कि आपके तरीके में जान पड़ जाएगी, और बच्चे भी उसमें दिलचस्पी लेना शुरू कर देंगे, लिखते हुए बच्चे भी, और बच्चे जो लिखेंगे वो दुरुस्त लिखेंगे। तो सबसे पहले मवाद के ऊपर फोकस कीजिए। सबसे पहले देखिए, हमारे पास एक कैश इन हैंड होता है कुछ, ठीक है, उसके बाद उसमें हम इजाफा करते हैं। हमारे पास कुछ तो हो, बच्चे के पास कुछ तो हो, और बच्चे के पास जो है वो मवाद है उसके पास।
जिन लोगों ने मेरी रीडिंग की वर्कशॉप अटेंड की हुई है वो जानते हैं कि मैंने इस हवाले से बहुत ज़्यादा काम करवाया हुआ है, और उनके पास, बच्चों के पास जो है, आप उसको लेके चलिए। पहले मवाद के ऊपर काम कीजिए और उसके बाद ज़बान के ऊपर काम कीजिए, और ज़बान में गलतियाँ हर बच्चे की अलग अलग होती हैं और फिर उनको चुन चुन के निकालना होता है। तो जनाब, ये थी छोटी सी काविश, उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। मालिके कायनात से दुआ है कि आपके आंगन इसी तरह सजते रहें, महकते रहें और आप हमेशा मुस्कुराते रहें, चहकते रहें। बंदा नाचीस को दुआओं में याद रखिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।